हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाह वीडियोस। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक अपने ब्रांड न्यू वीडियोस में, जिसमें हम डिस्कस, आपको पता ही है कि मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हाल ही में वैकेंसी आई है रेलवे की जूनियर इंजीनियर के लिए। तो उसके हम प्रीवियस पेपर को डिस्कसन कर रहे हैं, और उसके पे मैंने अपनी प्रीवियस दो वीडियोज़ बना दी हैं, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2014 में जो आपका पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए जो पेपर आपका हुआ था, तो उसको मैंने दो पार्ट्स बना दिए हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज इसका जो पहला क्वेश्चन आपका है वो पूछा गया है ड्राइंग से। आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ़ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 60 mm x 30 mm इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 degree टू द हॉरिजेंटल प्लेन इट्स टॉप व्यू। तो आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सोल्यूशन अच्छे से दे रखा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी इन्होंने डायमेंशन दे रखी है 60 x 30। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि जो आपकी प्लेट है वो आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन है उससे 60 degree पे इंक्लाइंड है, और आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्लेट है उसका टॉप व्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका टॉप व्यू आपको बनेगा वो बनेगा, इसकी साइज़ में डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप टॉप व्यू इसका देखेंगे तो आपकी जो एक्चुअल डायमेंशन आएगी, आपकी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसकी रिड्यूस डायमेंशन आपको मिलेगी टॉप व्यूज़ में, और आपकी एक वो जो जो डिज़ाइन आपको मिलेगी वो मिलेगा एक स्क्वायर की, और जिसकी डायमेंशन आपकी होगी 30 mm साइज़ की। ठीक है, अब ये तो बात हो गई टॉप व्यू की। अगर आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया होता कि फ्रंट व्यू क्या होगा, तो जब आप इस आपको जो डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है जो इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल प्लेन से, जब इसका आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी विद द हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लाइंड एक लाइन मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो फ्रंट व्यू होगा वो एक लाइन होगा, जबकि जो आपका टॉप भी होगा वो स्क्वायर होगा, और जिसकी डायमेंशन आपकी होगी 30 mm इन साइज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपका दिया है कि इट्स टॉप व्यू मे बी स्क्वायर ऑफ 30 mm साइज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक सीरीज दे रखी है इन्होंने 1 + 2 + 3 + 4 up to 45, और आपको इसका समेशन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपको पता होगा कि जो आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है उसके लिए आपको जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है, और उसका उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n/2 2a + n-1d। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो n है वो आपके टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं जो आपकी सीरीज़ दे रखी है, साथ ही साथ a जो आपका वो फर्स्ट टर्म होगी आपकी सीरीज़ की, d आपका है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स की, जैसे ये आपको 1 और 2 दो सक्सेसिव टर्म्स हैं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 2 - 1 या फिर आप 3 - 2, तो आपका जो डिफरेंस होगा टू सक्सेसिव टर्म्स का उसे हम d से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 45/2 × 2 × 1 + 45 - 1 × 1, क्योंकि वैल्यूज आपको सारी दे रखी हैं यहाँ पे, और आपका जो आंसर आ जाएगा इस सीरीज़ का, आपका समेशन जो बनेगा वो बनेगा 1035, और आप ऑप्शन थ्री में सी में देख पा रहे होंगे कि आपका जो आंसर दिया हुआ है 1035, और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप काफ़ी इजीली इसको कर पाएंगे, और आपका समय भी काफ़ी बचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इन वेल कंडीशनड ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेल कंडीशनड जो आपका ट्रायंगल होता है उसमें आपका मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, इससे कम एंगल नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 60 degree, बी 50 degree, सी 30 degree, या फिर ऑप्शन डी आपका है 45 degree। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन 30 degree, और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन सैंड मॉडलिंग द टॉप फ्लॉस्क इज नोन एज, आपके ऑप्शन है ए कोप, बी ड्रैग, सी चेक, या फिर डी फिलेट। तो दोस्तों, जो आपका सैंड मॉडलिंग में जो आपका टॉप फ्लास्क होता है वो उसको हम कॉप नाम से जानते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉप आपका ऑप्शन ए में है, तो कॉप आपका जो है वो सैंड मॉल्डिंग में आपका टॉप फ्लास्क जो होता है उसे हम कॉप बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो पेपर हुआ था आपका 2014 में, उसमें इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ टाइम पे आपकी एक बुक आई थी जिसका नाम था नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, और आपसे पूछा गया था किसके राइटर कौन है, जो हाल ही में उस समय पब्लिश की गई थी 2014 के आसपास। तो उसके ऑप्शन थे आपके ए पीसी पारेख, बी आपका संजय बारू, सी विनोद राय, या फिर ऑप्शन डी आपका था नटवर सिंह।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो उस समय आपकी एक बुक आई थी जिसका नाम था नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, वो उसके राइटर थे विनोद राय, और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपके नीचे प्लेनेट्स दिए हुए हैं इसमें आप किस प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए मर्केरी, बी वीनस, सी अर्थ, या फिर ऑप्शन डी आपका है मार्स। तो दोस्तों जो आपका मार्स प्लेनेट है उसे हम बेसिकली रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि रेड प्लेनेट इसे क्यों बोलते हैं या फिर इसका रीज़न क्या है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्शियन रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्शियन रॉक्स ये जो आपका मार्स प्लेनेट है इसे हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा कि मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्शियन रॉक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जामा मस्जिद जो आपकी दिल्ली में है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए अकबर द्वारा, बी जहांगीर द्वारा, सी शाहजहां द्वारा, या फिर आपका ऑप्शन डी है औरंगजेब द्वारा। तो दोस्तों जो आपका जामा मस्जिद है वो बनाई गई थी आपकी शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा, और कई बार आपको डेट भी ईयर भी पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 1644 से 1656, ठीक है, 1644 से 1656, 1644 से 1656 के बीच में आपका जो जामा मस्जिद दिल्ली में है उसे जो है शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज बाई, तो आपसे पूछा गया है कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है उसका स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रेनल, या फिर ऑप्शन डी आपका है पैनक्रियाज। तो दोस्तों आपको पता होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है उसका स्राव जो होता है वो होता है पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो अग्नाशय द्वारा आपका जो सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है उसका शरीर में काम क्या होता है। तो उसका शरीर में काम आपका होता है कि टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ब्लड में जो आपकी शुगर की लेवल होती है उसको मेंटेन करने के लिए आपका पैंक्रियाज एक तरीके का हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम आपका है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन आपका पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ए फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है, आपको बताना है कि एक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, तो आपको बताना है कि जो आपका फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। आपके ऑप्शन है जूल साइकिल, ऑटो साइकिल, बी बॉर्शंट साइकिल, या फिर ऑप्शन डी आपका है बेल कोलेमन साइकिल। तो दोस्तों जो आपका आपको पता होगा कि ये फोर स्ट्रोक जो आपका पेट्रोल इंजन होता है ये आपका टेक्निकल से क्वेश्चन है, बेसिकली मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल ब्रांच से। तो इसमें आपको बताना है कि आपका जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इस जो थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन ऑटो साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल, अगर आपको ऑटो साइकिल के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको अच्छे से आपको एलिब्रेट करके इस पर जो आपके स्ट्रोक्स इंजन होते हैं इन पर मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया है, क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज आपका जो समझ सकता है। आपके ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों बेसिकली जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका मशीन लैंग्वेज समझता है, तो आपको अगर कोई भी लैंग्वेज आपके इनपुट देनी है आपको कंप्यूटर को, तो सबसे पहले उसे कंप्यूटर जो क्या करता है कि जो आप इनपुट उसे देते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो कंप्यूटर अपने जो आपको भी रिक्वायरमेंट आपको आउटपुट की है वो प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फिजिक्स से पूछा गया है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जनरली कंटेंस, तो जो आपका एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें बेसिकली आपको बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर डी ओनली न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों जो आपका एटम होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें बेसिकली आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पी प्लस एन, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एटम होता है उसमें पी प्लस एन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो
तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कोई भी वीडियो आप चैनल पे अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे लास्ट में आपको एक स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको एक लिंक दिख रहा होगा, तो इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मेरे कई सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो आप उनको रेट रिव्यू रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को। बाकी यहाँ से लिंक पे आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।